हल्द्वानी से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बनभुलपुरा हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन, ये बड़ी जानकारी। हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क, बनभुलपुरा में अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। बनभुलपुरा हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क, ये भी आपको बताते चले कि बनभुलपुरा में अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क। तो ये बड़ी जानकारी हल्द्वानी से आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा हुई थी और उसके बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में लगातार नजर आते हुए, और वही हिंसा के मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क, बनभुलपुरा में अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं। बनभुलपुरा हिंसा मामले को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्क, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरीके से प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और अगर बात हम मुख्य आरोपी की करें तो संपत्ति कुर्क की गई, क्या नामजद अन्य आरोपियों के साथ भी यही रवैया? मनीष, जिस तरह से लगातार 8 फरवरी को जो हिंसा हल्द्वानी बढ़ती थी, इसको लेकर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका पुत्र दोनों फरार चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से बाहर है, लेकिन पुलिस ने एक्शन लिया। रात 12 बजे घर के दोनों के घर की कुर्की कर दी है, जो मास्टरमाइंड मलिक है उसका पुत्र, उसके दोनों घरों की कुर्की कर दी गई है, और कई लाखों का सामान पुलिस ने कुर्की में जब्त किया गया है। अब उसका जो मकान है उसका दुस्ते करके दोपहर में आदेश होगा, और हो सकता है दोपहर 12 बजे बाद उसका उनका जो बिल्डिंग मकान है 8 लाइन नंबर 8 में वो पूरी तरह दुस्त कर दिया जाएगा। जी मनीषा, मुकेश, अगर बात कर ली जाए कि अभी तक हिंसक मामले में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और मुख्य आरोपी की तलाश जो पुलिस के द्वारा की जा रही वो कहां तक अभी तक पहुंची है? बिल्कुल मनीषा, अगर बात करूं जो मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक कहा जा रहा है बनभुलपुरा का, जो पूरा प्री प्लान मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के द्वारा रचा गया था, जिसके बाद कई करोड़ों की जमीन भी इनने 50 रुपए स्टाम्प पर बेची थी, ये मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस का दावा है कि इसको जल्द ही पकड़कर सलाह के पीछे भेजेंगे। लगातार टीम गठित करके बाहर यूपी और हरियाणा की साइड भेजी गई है, और कई इलाकों में इसकी छानबीन भी की जा रही है, विस्तारों में दबिश दी जा रही है। लेकिन पुलिस का एसएसपी का दावा है कि जल्द से जल्द ये जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी मनीषा, मुकेश, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से पुलिस का जो एक्शन है वो देखने को लगातार मिल रहा है, और अगर बात हम संपत्ति की कर ली जाए, तो क्या अन्य जो नामजद आरोपी है उनके साथ भी यही सलूक देखने को मिलेगा? बिल्कुल मनीषा, जितने भी अभी 9 आरोपी जिनके फोटो जो जारी किए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में, उनका भी साफ कहना है कि ये 9 लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। अगर गिरफ्तारी देते हैं तो इनके साथ घर की कुर्की बढ़ सकती है, अगर जब पुलिस को पुलिस से भागते रहेंगे तो इनके घर की कुर्की होगी और उसके बाद इनके घर पर बुलडोजर चलेगा। जी मनीषा जी, और जिस तरीके से अब्दुल मलिक की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है, एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है, और ऐसे में क्या अन्य राज्यों में भी तलाश जारी है? बिल्कुल मनीषा, मैंने आपको बताया कि जो एसएसपी नैनीताल द्वारा 8 टीमें गठित की गई है अब्दुल मास्टरमाइंड पकड़ने के लिए, यूपी में भी, लखनऊ में भी दबिश दी जा रही है, रामपुर भी दी जा रही है, हरियाणा जैसे शहरों में भी दबिश दी जा रही है, और उनका दावा है कि जल्द से जल्द अब्दुल मलिक जो मास्टरमाइंड है पूरे उसका, उसको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल के सलाह के पीछे भेजा जाएगा। जी मनीषा जी, बिल्कुल मुकेश सक्सेना, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।